यू आर मोस्ट वेलकम अगेन माई चैनल सी ओ आर जी। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो इस सीरीज़ की पहली वीडियो मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट फर्स्ट वीडियो है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो को समझने के लिए आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें, ताकि आपको अच्छे से इकोलॉजी सीरीज की ये वीडियो समझ में आए। हम जो ये वीडियो डाल रहे हैं, ये नेट से रिलेटेड वीडियो हैं और आपके एमएससी जूलॉजी एंड लाइफ साइंस बॉटनी कई सारे ब्रांच में ये वीडियो काम आने वाले हैं। फर्स्ट है कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश लेक्चरर, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट। और आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आउटलाइन हम यहाँ पर देखते हैं, हम जो आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट कंपोनेंट, बायोटिक स्ट्रक्चर। बायोटिक स्ट्रक्चर में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। एंड अबायोटिक में, अबायोटिक कंपोनेंट में फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट का क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में भी लास्ट में ये क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था, फिर भी हम यहाँ पर इसको दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट है कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट का क्लासिफिकेशन। टू पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है, बायोटिक यानी लिविंग कंपोनेंट एंड अबायोटिक यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट का क्लासिफिकेशन फर्स्ट है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर को भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो प्रकार के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक। एंड कंज्यूमर चार प्रकार के होते हैं, हर्बीवोरियस, कॉर्निवोरियस, ओमनिवोरियस एंड डेट्रिटोवोरियस। एंड डिकम्पोजर को, डिकम्पोजर मेनली डिवाइडेड नहीं है, पर ये इसका फॉर एग्जांपल जैसे फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह है। सेकंड आता है अबायोटिक कंपोनेंट यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट। इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर को क्लाइमेट फैक्टर, एडेफिक फैक्टर एंड ज्योग्राफिक फैक्टर में डिवाइड किया गया है तीन। और केमिकल फैक्टर का मेजर न्यूट्रेंट जो होते हैं, जो केमिकल फैक्टर में आते हैं, एंड पोल्यूटेंट एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये सारे कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट के क्लासिफिकेशन फिजिकल फैक्टर एंड केमिकल फैक्टर में आते हैं। नेक्स्ट है बायोटिक स्ट्रक्चर। बायोटिक स्ट्रक्चर एंड बायोटिक फैक्टर इज सेम। बायोटिक फैक्टर एग्जांपल जैसे फंजाई, प्लांट, प्रोटिस्टा, एनिमल एंड बैक्टीरिया एक्सेट्रा। द प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम फ्रॉम द बायोटिक कंपोनेंट। दीज ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट न्यूट्रिशनल बिहेवियर एंड स्टेटस इन द इकोसिस्टम एंड आर अकॉर्डिंग टू नॉन एज प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। बायोटिक फैक्टर में फर्स्ट है प्रोड्यूसर। दे आर मेनली द ग्रीन प्लांट एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे आर टू टाइप, फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स। हम फर्स्ट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स, विच कैन सिंथेसाइज दियर फूड देमसेल्व बाय मेकिंग यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय इन्वॉल्विंग क्लोरोफिल। द ग्रीन पिगमेंट इन द लीव्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, वाटर की और सनलाइट के प्रोसेस में हमारे जो लीव्स होते हैं वो क्लोरोफिल के साथ मिलकर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट करती है। और ये मेनली ग्रीन प्लांट में होता है और इसीलिए इन्हें फोटो ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। फोटो ऑटोट्रॉप्स मीन्स, फोटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप्स मीन्स फूड एंड फोटो मीन्स लाइट। कीमो ऑटोट्रॉप्स, देर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म also which can produce organic matter to some extent through the oxidation of certain chemical in the absence of sunlight. There are known as chemosynthesis organism or chemoautotrophs. Second, for some instance in the ocean depth where no sunlight, chemoautotrophic sulfur bacteria make use of the heat generated by the
डेसी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट इन द अर्थ कोर एंड रिलीज ऑस इन डेप्थ. दे यूज द हीट टू कन्वर्ट डिजोल्व हाइड्रोजन सल्फाइड H2S एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंटू ऑर्गेनिक कंपाउंड. सेकेंड है कंज्यूमर. ऑल ऑर्गेनिज्म विच गेट दियर ऑर्गेनिक फूड बाई फीडिंग अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड कंज्यूमर. फर्स्ट है हर्बी वॉरियस विच मीन्स प्लांट ईटर्स, जो प्लांट खाते हैं. फीड डायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर इज कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर. फॉर एग्जाम्पल रेबिट, इंसेक्ट एंड मैन. सेकेंड है कॉर्निवोरियस मीट ईटर्स. फीड ऑन हर्बिवोरियस एंड कॉर्निवोरियस कॉल्ड एज सेकेंडरी एंड टर्सरी कंज्यूमर. फॉर एग्जाम्पल सेकेंडरी एग कंज्यूमर फ्रॉग एंड टर्सरी कंज्यूमर स्नैक बिग फिश एक्सेट्रा. ओमनिवोरियस फीड ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल. फॉर एग्जाम्पल फूड रेट फॉक्स मैनी बर्ड्स. डेट्रिटोवोरियस डेट्रिटोवोरियस फीड ऑन पार्ट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म वेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्टियली डिकम्पोज मैटर. फॉर एग्जाम्पल बीटल्स एंड आंट कर्ब्स एंड अर्थवार्म एंड वॉल्चर. ये आप जो दिख रहा होगा आपको, ये फर्स्ट जो है ग्रास, ये प्रोड्यूसर है. सेकेंड जो हर्बिवोरियस, जो ग्रास को खाने वाले हैं, और जो ग्रास जैसे ग्रास हॉपर और ग्रास हॉपर को खाने वाला है फ्रॉग, तो ये आ जाएगा कॉर्निवोरियस में. एंड स्नैक आ जाएगा टर्सरी कंज्यूमर कॉर्निवोरियस का. एंड जो ईगल है वो आता है ओमनिवोरियस में. थर्ड है डिकम्पोज. दे ड्राइव देयर न्यूट्रिशन बाय ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टू सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड अल्टीमेटली into organic nutrient. Various bacteria and fungi are decomposer. जैसे कि आपने देखा होगा कि जब पेड़ सड़ जाता है तो उसमें कुछ फंजाई निकल के आती है, वो डिकम्पोजर का काम करते हैं, और काफ़ी बैक्टीरिया जो है डिकम्पोजिंग का काम करते हैं. डिकम्पोजर जैसे कोई चीज़ डेड हो गई तो उसको साफ करने का काम डिकम्पोजर का काम होता है. यहाँ पर एयर सेलिनिटी सॉइल, यह साइट में आप देख रहे हैं, कई सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. ये सारे अबायोटिक फैक्टर हैं. द फिजिकल एंड केमिकल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम कॉन्स्टिट्यूट इट अबायोटिक स्ट्रक्चर. इट्स इंक्लूड क्लाइमेट फैक्टर, एडेफिक फैक्टर, सॉइल्स फैक्टर, जियोग्राफिकल फैक्टर, एनर्जी, न्यूट्रेंट एंड टॉक्सिक सबिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल ऑफ अबायोटिक फैक्टर, फर्स्ट अबायोटिक फैक्टर है फिजिकल फैक्टर. द सनलाइट एंड सेट इंटेंसिटी ऑफ सोलर फ्लक्स, ड्यूरेशन ऑफ द सन आवर, एवरेज टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, एनुअल रेनफॉल, विंड, लेटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड, सॉइल टाइप, वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर करंट एक्सेट्रा आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फिजिकल फीचर विच हैव ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द इकोसिस्टम. वी कैन क्लियरली सी द स्ट्राइकिंग डिफरेंस इन सोलर फ्लक्स, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल, स्नो एक्सेट्रा, पैटर्न इन ए डेजर्ट इकोसिस्टम, इन ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड इन टुंड्रा इकोसिस्टम. सिमिलरली द टाइप ऑफ ग्रास लैंड फॉर फॉरेस्ट इकोसिस्टम विल बी वेरी डिपेंडिंग अपॉन इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन. ये जो साइड में आप देख रहे हैं, ये विंड, रेन, वाटर, सॉइल, ये सारा क्या है, फिजिकल फैक्टर है. लास्ट जो हम यहाँ पे देखने वाले ये है केमिकल फैक्टर. अवेलेबिलिटी ऑफ मेजर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर. लेवल ऑफ टॉक्सिक सबिस्टेंस, साल्ट कॉजिंग सेलिनिटी एंड वेरियस ऑर्गेनिक सबिस्टेंस प्रजेंट इन द सॉइल और वाटर लार्जली इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम. दिस कॉल्ड केमिकल फैक्टर. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब माई चैनल. हम यहाँ पर और भी नई वीडियो डालने वाले हैं और बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके सब्सक्राइब और लाइक से हमें ज़रूर मोटिवेशन मिलेगी और हमें हेल्प मिलेगी कि हम आगे भी ये वीडियोस बनाते रहें. इस सीरीज़ की पहली वीडियो, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा,
आप वो भी देखें तो आपके जरूर अच्छे से समझ में आ जाएगा एनवायरनमेंट वाला पार्ट। और हम आगे भी ये वीडियो डालने वाले हैं, तो सो गाइस प्लीज़ कि आप जरूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक ज़रूर करें।